उसका एप्लीकेशन आप अलग अलग सोलर पीवी का था, आपकी जनरेशन आपका हुआ, सुबह से लेके शाम तक आप कर रहे चाय बनाओगे, खाना बनाओगे, गर्म इसका इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास है, मैंने हीट कलेक्ट कर लिया, उस हीट का मैं यूटिलाइज ना कहीं भी कर सकता हूँ, कुकिंग के लिए कर सकता हूँ, पावर जनरेशन के लिए कर सकता हूँ, कूलिंग के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। तो सर उसका स्टीम बना करके करेंगे ना हम पावर जनरेशन के लिए, इस हीट को स्टीम हम जनरेट करेंगे डायरेक्ट, जैसे सोलर में कन्वर्ट होता है ऐसा तो नहीं कर सकते, जैसे सोलर में डायरेक्ट कन्वर्जन होता है ऐसा नहीं कर सकते इसमें, नहीं इसमें डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता, नहीं होगा, क्योंकि हम तो सिर्फ वहाँ हीट को ले रहे हैं, एनर्जी को जो है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं जी, लेकिन जो हीट पार्ट है उसमें वो मेरा वेस्ट है जी, तो वो हीट पार्ट मैं यहाँ यूज करता हूँ सोलर थर्मल में, जितनी भी हीट मेरे को मिलती है उस हीट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, उस हीट को पहले कलेक्ट कर रहा हूँ, उस हीट को अपना मेन दूसरे एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहा हूँ। हाँ इसमें अलग अलग कलेक्टर्स की जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग होती है, जैसे पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर्स की कंसंट्रेशन 150 के आसपास है, तो ये अलग अलग टाइप की, जितनी कंसंट्रेशन हाई होगी उतना आपका हीट कलेक्शन जो ज़्यादा होगा।